और सजनों, घुसी बेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और as you can see बादल भी जा रहे हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप यू आर गाइस रियली वेरी वेल इन योर लाइफ एंड आई एम एंजॉयिंग दिस वेदर। एट 5:30 आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, आवाज to all of you brothers and sisters and my lovely friends, good morning to all of you। मौसम जो है ना बहुत सुहाना हो गया है और अभी फिर से तुम्हारा भाई जा रहा है ऑफिस और आज मैंने शीशा खोला हुआ है क्योंकि धूप नहीं है और मौसम एक नंबर है। अभी चलते हैं ऑफिस और इसी के साथ साथ एक आप सभी से बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है जो आप सभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है एज अ पर्सन जो आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ। इस समय पर अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो या कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले रहे हो यूलिप्स को मिलाकर एंड ट्रेडिशनल प्लान्स को मिलाकर, तो उस केस में आप लोगों को एक जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत गलत दी जा रही है कि आपका 18% का GST टैक्स जो है वो बच जाएगा। तो इस समय पर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट है। पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आप एक ट्रेडिशनल पॉलिसी लेते हो HDFC लाइफ से या ICICI से या किसी भी कंपनी से, तो उस केस में आपका जो पहले साल का GST अमाउंट जाता है वो जाता है 4.5% का, ठीक है राइट। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वही जो आपका GST अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 2.25% का। तो इट मींस अगर मैं एट प्रेजेंटली एक ट्रेडिशनल पॉलिसी ले रहा हूँ तो उस केस में मेरा सिर्फ से सिर्फ जो एट प्रेजेंटली जाएगा GST अमाउंट वो जाएगा 4.5% फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इट विल बी 2.25%, करेक्ट है। बट यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं, एजेंट क्या बोल रहे हैं एक इन्वेस्टर को कि सर इस समय पर करो जस्ट बिकॉज टू सेल अ पॉलिसी कि आपका 18% GST बच जाएगा। तो जस्ट फॉर अ इन्फॉर्मेशन, अगर आप खुद से करना चाह रहे हो उस पॉलिसी को देन ओनली यू विल टेक इट ऑन दिस स्टेटमेंट। अगर कोई आपको बोलता है तो आप उस बंदे को पकड़ सकते हो और उसको कह सकते हो कि अगर मैं पॉलिसी इस समय पर ले रहा हूँ मेरे पास जो बॉन्ड पेपर आएंगे उस पे तो 4.5% लिख के आएगा, आप कैसे बोल रहे हो कि 18% बच रहा है। तो पूछना इस नोट से स्टार्ट करते हैं आज का दिन। वेलकम बैक ऋषि मले। I just came from my office, but one thing is in my mind that you have to do it. You have to do it anyhow. It will take time, but you have to consistent. You have to discipline. If you will be disciplined, in that case, it will be a habit in upcoming time. So work hard. Even the circumstances are not in your favor, but you have to perform. You have to give them a challenge that you cannot beat me, I will be the person who will beat you from my end. So it was a nice session. Love you all. Thank you.
हो चुका हूँ अशोक यार और मेरी मदर गई हैं सामान लेने के लिए। जैसे ही वो आएंगी तो उसके समय हम यहाँ से चलेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है रोडों के ऊपर, जैसे आपने देखा टाइम लैप्स के अंदर भी, कि स्मूथली गाड़ी चल रही है। और उसी के साथ साथ मेरे फादर भी जो हैं वो बाहर गए हैं। अशोक यार बेसिकली फेमस है गाड़ियों के लिए, रीयूज कार्स जो होती हैं वहाँ पर बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाती हैं, और उसी के साथ साथ कंडीशन भी जो होती है गाड़ी की वो एक नंबर होती है। तो मेरे फादर वैसे देखने गए हैं, एक ओवरव्यू लेने गए हैं कि अगर हम कार चेंज करते हैं तो उस केस में कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट लगेगा और कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं एट प्रेजेंटली। तो मतलब एक शौक है उनको, और मेरे को जहाँ तक लगता है ना रोडों पे बंदे ही नहीं है यार, मतलब इतना ये हो चुका है उसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है। और ये अच्छी भी बात है कि हाँ लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को। मदर मेरी आ गई हैं सामान लेके और अब निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रहना है और बाहर का कुछ खाना भी नहीं है। तो मिलता हूँ सीधा आप सभी को घर पे, एंजॉय करो टिल देन टाइम लैप्स इस वीडियो के अंदर फिर से। तो अभी ब्लॉग की एडिटिंग करते हुए पता लगा कि एग्जैक्टली एंडिंग तो है ही नहीं, इसीलिए आसमी से बात करने में फिर से आ गया हूँ। स्केड्यूल जो है वो थोड़ा सा बिजी हो गया है, जॉब उसी के साथ साथ वर्कआउट फिर एक और बारी वर्कआउट, मतलब मैं दो बारी करने की कोशिश करता हूँ कि एक दिन के अंदर दो बारी वर्कआउट हो जाए। एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैं 5.5 से 6 किलोमीटर जो है वो रनिंग करूँ कि जिससे एकदम से मेरा जो वेट है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाए। एंड विद दैट मैंने स्किपिंग रोप फिर से ले ली है, अब अपन स्किपिंग रोप के साथ साथ भी वर्कआउट करेंगे। मतलब मैंने ऑलरेडी पहले जब भी वेट लूज किया था तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था स्किपिंग रोप ने, और उसी के साथ साथ मैंने बहुत सारी मूव्स भी सीखी थी, वो आप सभी को मैं दिखाऊंगा। एंड विद दैट आने वाले समय में व्लॉग्स और भी इंटरेस्टिंग रहेंगे, माना थोड़ी सी स्टोरी में हल्की सी आपको इस व्लॉग के अंदर कमी मिलेगी, बट आने वाले समय में हर एक चीज़ जो है वो टेक केयर करूँगा, क्योंकि इस समय पर ना बहुत चीज़ें हैं जो मेरे माइंडसेट में है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि एक रूटीन बन जाए और उस रूटीन को मैं फॉलो करूँ। एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैं आप सभी से आने वाले समय में भी कॉन्टैक्ट करता रहूँ इस माध्यम के थ्रू, एंड आप सभी को एंटरटेन करता रहूँ। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक अगर वीडियो दिख रहा है, थैंक यू सो मच, सल्यूट यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरे अंदर अभी भी बिलीव जगाया हुआ है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं या मैं कुछ कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम, हैव अ नाइस डे। दोस्तों 12:30 हो चुके हैं और करना था तो करना था, इसीलिए ही मैंने आज का दिन स्ट्रेच किया। एंड विद दैट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, म्यूचुअल फंड, यूलेट्स एंड एंटरटेनमेंट। मज़ा आएगा और फिटनेस फाड़ देंगे, इस बारी सोच के रखा मैं करके रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।